केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। साहिबगंज, 17 अप्रैल को होगा पुलिस एसोसिएशन का चुनाव। 17 अप्रैल को जिला पुलिस एसोसिएशन का चुनाव 5 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगा। एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह और महामंत्री अक्षय कुमार राम ने इस संबंध में पत्र भेज दिया है। 5 पर्यवेक्षकों में दुमका के प्रक्षेत्रीय मंत्री हरेंद्र कुमार राय, कोयला क्षेत्र के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह, दुमका के क्षेत्रीय मंत्री सत्येंद्र प्रसाद, देवघर अध्यक्ष श्याम कुमार व देवघर सचिव प्रतीक कुमार है। केंद्रीय अध्यक्ष ने आम सभा की सूचना सभी सदस्यों को देने का निर्देश दिया है। मानव तस्करी का खुलासा, 2 किशोरी बरामद, 1 गिरफ्तार। 3 पहाड़ व आसपास के क्षेत्र में मानव तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजगार दिलाने के नाम पर अक्सर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में मानव तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। रोजगार दिलाने के नाम पर अक्सर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में खासकर आदिवासी युवक युवती व नाबालिग को सब्ज बाग दिखाकर बड़े शहरों में ले जाने की घटना सामने आती है। ताजा घटना में थाना क्षेत्र के कोयल पट्टी से स्थानीय पुलिस ने मंगलवार की रात को गुप्त सूचना पर एक घर में छापेमारी कर मानव तस्करी के लिए लाई गई 2 किशोरी को बरामद किया है। दोनों किशोरियों को किसी बड़े शहर में भेजने की तैयारी थी। छापेमारी में उस घर से पुलिस के साथ कुछ अन्य युवतियों के कागजात भी लगे हैं। पुलिस के मुताबिक जिस घर से दोनों किशोरी को बरामद किया गया है वह व्यक्ति मानव तस्करी के रैकेट से जुड़ा हुआ है। गाँव गाँव जाकर लगाया झंडा, बांटी मिठाइयां। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्रखंड मुख्यालय समेत आसपास गांव के भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रविता तिवारी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष भारती, युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष प्रिंस गुप्ता, भोला पंडित, नवीन गुप्ता, सुरेश गुप्ता समेत दर्जनों कार्यकर्ता झंडा लगाकर मिठाइयां बांट रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह बनी कांग्रेस की जिला संयोजक। झारखंड कांग्रेस मिशन 2024 को लेकर राज्य से लेकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसको लेकर पार्टी ने जिलों में संयोजक बनाए हैं। यहां का जिला संयोजक पार्टी विधायक दीपिका पांडे सिंह को बनाया गया है। जिले के स्कूलों में पुनः बच्चों को वापस लाने के लिए मिलकर करने होंगे बेहतर प्रयास, उपायुक्त महोदय गुड्डा। आज स्थानीय नगर भवन गुड्डा में उपायुक्त महोदय गुड्डा श्री भू सिंह यादव, उप विकास आयुक्त महोदय गुड्डा श्री संजय सिन्हा व जिला संपर्क पदाधिकारी गुड्डा श्री अभय कुमार, जिला योजना पदाधिकारी श्री राजकुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य की गरिमामयी उपस्थिति में स्कूल रूअर बैक टू स्कूल कैंपेन कार्यक्रम की शुरुआत भी प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त महोदय गुड्डा भोर सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि जिले में सभी बच्चों को पुनः विद्यालय में वापस लाने एवं उनकी नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इस अभियान में विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति हेतु प्रयास करना है। स्कूल रूअर 2022 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव चोले को शत प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति की निगरानी प्रत्येक दिन ई विद्या वाहिनी के माध्यम से की जाए। यदि बच्चे लगातार 3 दिन तक अनुपस्थित हों तो संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, BEO, BRP, CRP, शिक्षक एवं जनप्रतिनिधि मिलकर इसके कारणों का पता लगाकर बच्चों को विद्यालय में दोबारा लाने का प्रयास करें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।